हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था आवेश संरक्षण नियम, उससे पहले ऊर्जा संरक्षण नियम, और उसके बाद कराया आपको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, व उसके बाद लास्ट कराया हमने कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं लैप्टन संख्या संरक्षण नियम, उसके बाद आपको कराएंगे बेरियन संख्या का संरक्षण नियम। जिस प्रकार से मूल कणों के लिए सभी अभिक्रियाओं के लिए या प्रत्येक अभिक्रिया के लिए मूल कणों के लिए आवेश का संरक्षण होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, कोणीय संवेग का संरक्षण होता है, ठीक उसी प्रकार से लैप्टन संख्या का भी संरक्षण होता है एवं बेरियन संख्या का भी संरक्षण होता है। तो लैप्टन संख्या संरक्षण नियम क्या होता है? सभी लैप्टनों के लिए लैप्टन संख्या का एक निश्चित मान होता है। सभी लैप्टनों के लिए जो लैप्टन संख्या होती है उसे कैपिटल एल से निरूपित करते हैं, इसका एक निश्चित व नियत मान होता है। जो लैप्टन कण होते हैं, लैप्टन पार्टिकल, लैप्टन कण के लिए लैप्टन संख्या का मान +1 व एंटी लैप्टन कणों के लिए लैप्टन संख्या का मान -1 व अदर पार्टिकल के लिए या अन्य कण के लिए लैप्टन संख्या का मान 0 होता है। लैप्टन संख्या संरक्षण नियम क्या होता है कि सभी लैप्टनों के लिए लैप्टन संख्या का संरक्षण होता है और सभी लैप्टनों के लिए लैप्टन संख्या का मान एक नियत होता है जिसे हम L से निरूपित करते हैं और इसका मान निश्चित होता है प्रत्येक लैप्टन कण के लिए या सभी लैप्टन कणों के लिए इसका मान +1 होता है व एंटी लैप्टन कणों के लिए इसका मान -1 होता है एवं अन्य लैप्टन कणों के लिए जो ना तो लैप्टन हो एवं ना एंटी लैप्टन हो उनके लिए लैप्टन संख्या का मान 0 होता है। तो जिस प्रकार से हमने आवेश कोमा ऊर्जा कोणीय संवेग रेखीय संवेग संरक्षण के नियमों का अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार से हम लैप्टन संख्या संरक्षण नियम का अध्ययन करेंगे। अर्थात क्या होगा कि अभिक्रिया से पूर्व कुल लैप्टन संख्या बराबर अभिक्रिया के पश्चात कुल लैप्टन संख्या। यदि अभिक्रिया से पूर्व लैप्टन संख्या का मान अभिक्रिया के पश्चात लैप्टन संख्या का क्या हो बराबर, तो हम कहेंगे उस अभिक्रिया के अंतर्गत लैप्टन संख्या संरक्षण नियम का पालन होता है। लैप्टन संख्या संरक्षण नियम का पालन होगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अनुमत होगी। अभिक्रिया अनुमत होगी अर्थात अभिक्रिया संपन्न होगी। यदि लैप्टन संख्या संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है तो अभिक्रिया अनुमत या कहें अभिक्रिया लागू या अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो लैप्टन कणों के लिए क्या बताया कि प्रत्येक लैप्टन कण के लिए तो इसका मान +1 होगा व एंटी लैप्टन कणों के लिए इसका मान -1 होगा व अदर कण के लिए अन्य पार्टिकल के लिए लैप्टन संख्या का मान 0 होता है। अब एग्जाम्पल की सहायता से आपको प्रूफ करेंगे कि कौन से एग्जाम्पल के लिए लैप्टन संख्या संरक्षण नियम का पालन होता है व कौन से एग्जाम्पलों के लिए लैप्टन संख्या संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता है। जिन एग्जाम्पलों के लिए लैप्टन संख्या संरक्षण के नियम का पालन होता है वे अभिक्रिया लागू हो जाएंगी या संपन्न हो जाएंगी एवं जिन एग्जाम्पलों के लिए लैप्टन संख्या संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता है वे अभिक्रिया लागू नहीं होती है, अर्थात वे अभिक्रियाएं संपन्न नहीं। तो लैप्टन संख्या संरक्षण नियम के अनुसार आपको बताया
कि प्रत्येक लेप्टोन कण के लिए लेप्टोन संख्या का मान क्या होता है, प्लस वन, जबकि एंटी लेप्टोनों के लिए लेप्टोन संख्या का मान माइनस वन होता है, व अदर पार्टिकल के लिए लेप्टोन संख्या का मान जीरो होता है। तो लेप्टोन पार्टिकल हम आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। लेप्टोन पार्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात लेप्टोन पार्टिकल के अंतर्गत तीन फैमिली होते हैं। पहली फैमिली होती है इलेक्ट्रॉन फैमिली, दूसरी फैमिली होती है मियोन फैमिली, व तीसरी फैमिली होती है टाओ फैमिली। इलेक्ट्रॉन फैमिली, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लिखा हमने, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। मियोन फैमिली, तो मियोन फैमिली मियोन, न्यूट्रिनो मियोन। टाओ फैमिली, टाओ न्यूट्रिनो टाओ। ये तीन पार्टिकल तो क्या कहलाएंगे आपके, ये तीनों के तीनों पार्टिकल होते हैं लेप्टॉन पार्टिकल या लेप्टॉन कण। इनके साथ हमने ये क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो मियोन, न्यूट्रिनो टाउ। इन लेप्टॉन कणों के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन मियोन या टाउ, इनके लिए लेप्टॉन संख्या का मान एल का मान प्लस वन होता है, जबकि एंटी न्यूट्रिनो अर्थात एंटी लेप्टॉन, एंटी लेप्टॉन, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पॉजिट्रॉन मियोन प्लस टॉप प्लस, इनके लिए लेप्टॉन संख्या का मान माइनस वन होता है, जबकि अन्य पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि कणों के लिए लेप्टॉन संख्या का मान जीरो होता है। किसके अनुसार, लेप्टॉन संख्या संरक्षण के अनुसार। न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के लिए लेप्टॉन संख्या का मान, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के लिए लेप्टॉन संख्या का मान प्लस वन, न्यूट्रिनो मियोन के लिए लेप्टॉन संख्या का मान प्लस वन, न्यूट्रिनो टाओ के लिए लेप्टॉन संख्या का मान प्लस वन, जबकि एंटी न्यूट्रिनो का मतलब क्या लगा दिया ऊपर बार, तो ये क्या हो गया एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन संख्या का मान माइनस वन, एंटी न्यूट्रिनो टाओ इसके इलेक्ट्रॉन संख्या का मान माइनस वन, एंटी न्यूट्रिनो मियोन इसके लिए भी लेप्टॉन संख्या का मान माइनस वन होता है, क्योंकि ये पार्टिकल एंटी लेप्टॉन की श्रेणी में आते हैं, जबकि ये पार्टिकल लेप्टॉन की श्रेणी में आते हैं या लेप्टॉन कणों की श्रेणी में आते हैं। तो लेप्टॉन कण के अंतर्गत तीन फैमिली होती है, इलेक्ट्रॉन फैमिली, मियोन फैमिली, टाओ फैमिली। ये तीनों के तीनों पार्टिकल लेप्टॉन होते हैं, इनके साथ इनका न्यूट्रिनो लेंगे तो इनका भी, ये सारे जितने भी पार्टिकल सिक्स पार्टिकल है, इन सिक्स के पार्टिकलों के लिए लेप्टॉन संख्या का मान प्लस वन होता है, जबकि इधर के जो सिक्स हैं टू फोर और टाओ वाला कहाँ गया, चलो टाओ यहाँ ये रहा सिक्स, इनके लिए लेप्टॉन संख्या का मान माइनस वन होता है, जबकि अन्य पार्टिकल क्या जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकलों के लिए लेप्टॉन संख्या का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो लेप्टॉन संख्या क्या होगी, संरक्षित होगी, अर्थात अभिक्रिया से पूर्व लेप्टॉन संख्या का मान अभिक्रिया के पश्चात लेप्टॉन संख्या के मान के बराबर होगा। अब कुछ एग्जांपलों की सहायता से आपको प्रूफ करके बताते हैं कौन कौन से एग्जांपल आपके लिए अंतर्गत कौन कौन सी अभिक्रिया लागू होंगी, जबकि कौन सी अभिक्रिया लागू नहीं। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पलों की सहायता से हमको चेक करना है कि कौन से एग्जाम्पल या कौन सी रिएक्शन तो अनुमत होगी या कौन सी एग्जाम्पल संपन्न होगी, जबकि कौन सी एग्जाम्पल संपन्न नहीं होगी, अर्थात कौन सी एग्जाम्पल वर्जित होगी और कौन सी एग्जाम्पल अनुमत होगी। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का क्षय हो रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। देखो न्यूट्रॉन क्या हो गया, अदर पार्टिकल, तो अदर पार्टिकल के लिए क्या बताया, लेप्टॉन संख्या का मान एल का मान निकाल, तो क्या हो गया जीरो। तो अभिक्रिया से पूर्व एल का मान क्या है, जीरो। प्रोटॉन क्या हो गया, अदर पार्टिकल प्रोटॉन के लिए लेप्टॉन संख्या का मान जीरो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेप्टॉन पार्टिकल अर्थात इलेक्ट्रॉन फैमिली किसके अंतर्गत आती है, लेप्टॉन फैमिली के अंतर्गत, इसके लिए लेप्टॉन संख्या का मान माइनस वन। एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो क्या हो गया माइनस वन, जबकि एंटी न्यूट्रिनो के लिए क्या होता है प्लस वन। तो टोटल एल का मान निकालेंगे, देखो अभिक्रिया से पूर्व एल बराबर क्या रहा है,
जीरो, अभिक्रिया के पश्चात माइनस वन प्लस वन क्या आ रहा है जीरो, अर्थात एल का क्या हो रहा है संरक्षण हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यह अभिक्रिया लागू होगी या यह अभिक्रिया अनुमत होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत एल का मान संरक्षित है। एल क्या है संरक्षित है, एल का मान नियत है। अभिक्रिया से पूर्व एल का मान जीरो एवं अभिक्रिया के पश्चात एल का मान क्या है जीरो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर सेकंड, देखो एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या है, न्यूट्रॉन का निर्माण हो रहा है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या का मान क्या होता है जीरो, क्योंकि ये क्या आ गया अदर पार्टिकल, और अदर पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन संख्या का मान क्या होगा जीरो। प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या का मान क्या हो गया जीरो, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या का मान क्या हो गया माइनस वन, न्यूट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या का मान क्या हो गया माइनस वन। अभिक्रिया से पूर्व इलेक्ट्रॉन संख्या एल का मान क्या आ रहा है जीरो, जबकि अभिक्रिया के पश्चात क्या आ रहा है माइनस टू। तो बताओ जीरो माइनस टू के बराबर है नहीं है, अर्थात कह सकते हैं हम यह अभिक्रिया लागू नहीं होगी या यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत लेप्टोन संख्या का संरक्षण नहीं हो रहा है। लेप्टोन संख्या का मान अभिक्रिया से पूर्व लेप्टोन संख्या का मान अभिक्रिया के पश्चात लेप्टोन संख्या के मान के बराबर नहीं है। एग्जांपल नंबर थर्ड की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड है म्यूऑन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो म्यूऑन। तो मियोन किसके अंतर्गत आता है लेप्टोन फैमिली के अंतर्गत, तो लेप्टोन फैमिली के अंतर्गत इसका मान क्या हो गया प्लस वन। इलेक्ट्रॉन लेप्टोन फैमिली के अंतर्गत प्लस वन, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन लेप्टोन फैमिली के अंतर्गत प्लस वन, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो गया एंटी लेप्टोन, तो इसके लिए क्या आ गया माइनस वन, प्लस वन माइनस वन। तो अभिक्रिया से पूर्व एल बराबर क्या आ रहा है प्लस वन, अभिक्रिया के पश्चात एल क्या आ रहा है माइनस वन प्लस वन। अभिक्रिया से पूर्व एल का मान प्लस वन, अभिक्रिया के पश्चात भी एल का मान प्लस वन, अर्थात क्या कहे हम एल का मान अभिक्रिया से पूर्व भी प्लस वन, अभिक्रिया के बाद भी प्लस वन। तो लेप्टोन संख्या संरक्षण नियम के क्या हो रही है पालना हो रही है, इसलिए एग्जांपल नंबर थर्ड ये अर्थात यह अभिक्रिया हमारी संपन्न होगी या यह अभिक्रिया लागू होगी। अभिक्रिया क्या हो जाएगी लागू या अभिक्रिया क्या होगी अनुमत। एग्जांपल नंबर फोर्थ की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके अंतर्गत टूट रहा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं है पॉजिट्रॉन, क्या पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन किसके अंतर्गत आता है एंटी लेप्टोन के लिए, एंटी लेप्टोन के लिए इसका मान क्या हो गया माइनस वन। न्यूट्रॉन क्या आ गया अदर पार्टिकल, तो इसके लिए एल का मान क्या हो गया जीरो। प्रोटॉन क्या आ गया अदर पार्टिकल, तो इसके लिए भी एल का मान जीरो। न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन किसके अंतर्गत आएगा, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन आता है लेप्टोन पार्टिकल के अंतर्गत, तो लेप्टोन पार्टिकल के लिए एक एल का मान क्या होता है प्लस वन। तो देखो अभिक्रिया से पूर्व एल का मान क्या रहा है प्लस वन, जबकि अभिक्रिया के पश्चात क्या रहा है माइनस वन। तो बताओ प्लस वन माइनस वन के इक्वल है क्या, नहीं है, अर्थात इस अभिक्रिया के अंतर्गत एल का संरक्षण नहीं होता है, अर्थात यह अभिक्रिया लागू नहीं होगी। अभिक्रिया लागू नहीं होगी या कहें अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी या अभिक्रिया क्या होगी वर्जित होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत लेप्टोन संख्या संरक्षण नियम का पालन नहीं हो रहा है। एग्जांपल नंबर फाइव की बात करते हैं हम बेटा उत्सर्जन के लिए, तो 1H1 जीरो एन वन प्लस वन इलेक्ट्रॉन जीरो। देखो 1H1
हाइड्रोजन क्या आ गया अदर पार्टिकल, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन संख्या का मान क्या हो गया जीरो। न्यूट्रॉन क्या हो गया अदर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन संख्या का मान जीरो, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या आता है लेप्टॉन फैमिली के अंतर्गत, तो इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन संख्या का मान क्या आ गया प्लस वन। तो अभिक्रिया से पूर्व एल का मान क्या आ रहा है जीरो, अभिक्रिया के पश्चात क्या आ रहा है प्लस वन, तो बताओ जीरो प्लस वन के इक्वल होगा क्या नहीं होगा, अर्थात बीटा प्लस उत्सर्जन के ये रिएक्शन के लिए ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ये अभिक्रिया संपन्न कब होगी जब या तो यहां भी क्या बन जाए जीरो बन जाए या यहां क्या बन जाए प्लस वन बन जाए, अर्थात जितना एल का मान अभिक्रिया से पूर्व है उतना ही एल का मान क्या हो अभिक्रिया के पश्चात, उस कंडीशन के अंतर्गत यह अभिक्रिया या यह रिएक्शन अनुमत होगी या यह रिएक्शन लागू होगी। तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 के अंतर्गत यह अभिक्रिया क्या होगी लागू नहीं होगी या यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 बीटा माइनस उत्सर्जन के लिए क्या हो रहा है हमारा, न्यूट्रॉन रिएक्शन करके प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारा न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तो न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन बार लगा दिया तो एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। चेक करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या का मान, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन किसके अंतर्गत आता है अदर पार्टिकल के लिए, तो अदर पार्टिकल के लिए एल का मान क्या होगा जीरो। प्रोटॉन भी किसके अंतर्गत आएगा अदर पार्टिकल के लिए, एल का मान जीरो। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन फैमिली के अंतर्गत आता है और लेप्टॉन फैमिली के लिए एल का मान क्या हो गया प्लस वन, जबकि एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन एंटी लेप्टॉन फैमिली के अंतर्गत, तो इसके लिए एल का मान क्या आ गया माइनस वन। तो अभिक्रिया से पूर्व एल बराबर क्या आ रहा है जीरो, अभिक्रिया के पश्चात क्या आ रहा है जीरो, अर्थात जीरो किसके इक्वल है जीरो के, तो हम कह सकते हैं यह अभिक्रिया लागू होगी क्योंकि इसके लिए एल का संरक्षण होता है, एल का क्या हो रहा है संरक्षण हो रहा है, इस अभिक्रिया के अंतर्गत एल के मान का संरक्षण हो रहा है, तो यह अभिक्रिया लागू होगी या यह अभिक्रिया संपन्न होगी या यह अभिक्रिया अनुमत होगी। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं, मियोन पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो मियोन, तो मियोन किसके अंतर्गत आता है लेप्टॉन फैमिली के, तो लेप्टॉन फैमिली के लिए एल का मान क्या हो गया मियोन प्लस। देखो मियोन माइनस तो होता है लेप्टॉन और लियोन प्लस क्या होता है एंटी लेप्टॉन, तो एंटी लेप्टॉन के लिए इसका मान क्या हो गया माइनस वन। पॉजिट्रॉन एंटी लेप्टॉन माइनस वन, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन लेप्टन पार्टिकल प्लस वन, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन एंटी लेप्टॉन माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन जीरो। तो अभिक्रिया से पूर्व एल का मान क्या आ गया माइनस वन, अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया से पूर्व एल का मान माइनस वन, अभिक्रिया के पश्चात एल का मान माइनस वन, अर्थात एल का क्या हो रहा है संरक्षण हो रहा है, लेप्टॉन संख्या का क्या हो रहा है संरक्षण हो रहा है, जितना एल का मान अभिक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व था उतना ही एल का मान अभिक्रिया के होने के पश्चात है, तो हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया के अंतर्गत लेप्टॉन संरक्षण नियम की पालना हो रही है, इसलिए यह अभिक्रिया लागू होगी या यह अभिक्रिया संपन्न होगी। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, मियोन प्लस पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, तो मियोन प्लस क्या हो गया एंटी लेप्टॉन, एंटी लेप्टॉन के लिए एल का मान माइनस वन, पॉजिट्रॉन क्या हो गया एंटी लेप्टॉन माइनस वन, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया लेप्टॉन पार्टिकल प्लस वन, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया लेप्टॉन पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन एंटी लेप्टॉन पार्टिकल माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो क्या बचा माइनस वन किसके इक्वल हो रहा है माइनस वन के, अर्थात एल का क्या हो रहा है संरक्षण हो रहा है, एल का संरक्षण हो रहा है, तो हम कहेंगे यह अभिक्रिया भी लागू होगी
या यह अभिक्रिया भी संपन्न होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत लेप्टोन संख्या के संरक्षण के नियम की पालना होती है, अर्थात लेप्टोन संख्या का मान नियत होता है। जितना लेप्टोन संख्या का मान अभिक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व कितना था, -1, उतना ही लेप्टोन संख्या का मान अभिक्रिया समाप्त होने के पश्चात कितना मिला, -1। तो हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि कौन से एग्जाम्पल या कौन सी अभिक्रिया तो लागू होगी जबकि कौन सी अभिक्रिया लागू नहीं होगी। तो लेप्टोन संख्या संरक्षण नियम के अंतर्गत क्या बताया, लेप्टोन पार्टिकल के लिए लेप्टोन संख्या का मान +1 व एंटी लेप्टोन पार्टिकल के लिए लेप्टोन के लिए +1, एंटी लेप्टोन के लिए -1, अदर पार्टिकल के लिए 0 होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बेरन संख्या संरक्षण का नियम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बेरियन संख्या का संरक्षण नियम। जिस प्रकार से हमने लेप्टोन संख्या का संरक्षण नियम पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से बेरियन संख्या का संरक्षण नियम भी पढ़ते हैं। बेरियन संख्या संरक्षण के अनुसार भी प्रत्येक बेरियन संख्या संरक्षण नियम के अनुसार भी प्रत्येक बेरियन कण या प्रत्येक बेरियन संख्या का एक निश्चित मान होता है, या सभी बेरियन कण एक निश्चित बेरियन संख्या रखते हैं। जो सभी बेरियन पार्टिकल होते हैं वो निश्चित बेरियन संख्या रखते हैं, अर्थात जिस प्रकार हमने आप लोगों को बताया था लेप्टोन पार्टिकलों के अंतर्गत लेप्टोन पार्टिकल के लिए एल का मान +1 जबकि एंटी लेप्टोन पार्टिकल के लिए एल का मान -1 व अदर पार्टिकल के लिए लेप्टोन का मान एल का मान क्या था, 0। उसी प्रकार से बेरियन पार्टिकल के अंतर्गत भी बेरियन पार्टिकल के लिए बी का मान, लेप्टोन संख्या को L से निरूपित करते हैं जबकि बेरियन संख्या को B से निरूपित करते हैं। तो B का मान बेरियन पार्टिकल के लिए B का मान +1 व एंटी बेरियन पार्टिकल के लिए B का मान -1 व अदर पार्टिकल के लिए B का मान 0 होता है। तो इसके अनुसार क्या होगा, बेरियन पार्टिकल के लिए B का मान क्या हो जाएगा, +1, एंटी बेरियन पार्टिकल के लिए B का मान क्या हो जाएगा, -1, और अदर पार्टिकल के लिए B का मान क्या हो जाएगा, 0। और बेरियन पार्टिकल हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइपरॉन, सिग्मा हाइपरॉन, कैस्केड हाइपरॉन, लैम्डा हाइपरॉन, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके अंतर्गत आते हैं, बेरियन पार्टिकल के अंतर्गत। तो इन सभी पार्टिकलों के लिए B का मान क्या होगा, +1, जबकि इनके एंटी बेरियन के लिए B का मान क्या हो जाएगा, -1, व अदर पार्टिकल के लिए B का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस प्रकार लेप्टोन संख्या संरक्षण नियम के अंतर्गत पढ़ा था लेप्टोन पार्टिकल के लिए L बराबर +1, एंटी लेप्टोन पार्टिकल के लिए L बराबर -1, अदर लेप्टोन पार्टिकल के लिए L बराबर 0, उसी प्रकार से बेरियन पार्टिकल के लिए B बराबर +1, एंटी बेरियन पार्टिकल के लिए B बराबर -1 व अदर पार्टिकल के लिए B बराबर 0। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल न्यूट्रॉन प्लस, न्यूट्रॉन की रिएक्शन करने के बाद क्या मिल रहा है, प्रोटॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बेरियंस के अंतर्गत क्या आते हैं, न्यूक्लियॉन्स, इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन भी आता है और प्रोटॉन भी आता है। तो हम चेक करते हैं इसका जो बेरियन संख्या है वो संरक्षित होगी या नहीं होगी। तो N के लिए B का मान नोट करें तो क्या होगा, +1, प्रोटॉन के लिए B का मान क्या हो जाएगा, +1, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अदर पार्टिकल, तो इसके लिए B का मान क्या हो गया, 0, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अदर पार्टिकल, तो B का मान क्या हो गया, 0। अर्थात इस अभिक्रिया के अंतर्गत अभिक्रिया से पूर्व B का मान व अभिक्रिया के पश्चात B का मान क्या है, संरक्षित। अभिक्रिया से पूर्व B का मान क्या मिल रहा है, +1, अभिक्रिया के पश्चात B का मान क्या मिल रहा है, +1, अर्थात +1 किसके बराबर है, +1 के। तो हम कह सकते हैं यह अभिक्रिया लागू होगी या यह अभिक्रिया संपन्न होगी या यह अभिक्रिया अनुमत होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत बेरियन संख्या का संरक्षण हो रहा है, अर्थात बी जितना मान B का अभिक्रिया से पूर्व था उतना ही मान B का अभिक्रिया के पश्चात।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अदर पार्टिकल, अदर पार्टिकल के लिए बी का मान क्या बताया, जीरो। प्रोटॉन बैरियर पार्टिकल, बी का मान प्लस वन। न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन अदर पार्टिकल जीरो, न्यूट्रॉन बेरियन पार्टिकल प्लस वन। तो अभिक्रिया से पूर्व प्लस वन, अभिक्रिया के पश्चात प्लस वन। तो प्लस वन किसके बराबर मिला, प्लस वन के। तो हम क्या कह सकते हैं, यह अभिक्रिया लागू होगी, अर्थात एग्जांपल नंबर टू वाली जो रिएक्शन है वो क्या होगी, अलाउ होगी, या एग्जाम्पल नंबर वाली टू रिएक्शन संपन्न होगी, अभिक्रिया अनुमत होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोटोन, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो प्रोटॉन किसके अंतर्गत आता है, बेरियन पार्टिकल के अंतर्गत, बेरियन कण के अंतर्गत। तो इसके लिए बी का मान क्या हो गया, प्लस वन। पॉजिट्रॉन अदर पार्टिकल, बी का मान माइनस वन। न्यूट्रॉन बेरियन पार्टिकल, बी का मान प्लस वन। न्यूट्रिनो अदर पार्टिकल, बी का मान, इसके लिए बी का मान जीरो, इसके लिए बी का मान जीरो। तो प्लस वन किसके बराबर है, प्लस वन के, अर्थात प्लस वन किसके बराबर मिला, प्लस वन के। अभिक्रिया से पूर्व बी का मान कितना, प्लस। अभिक्रिया के बाद भी बी का मान प्लस। तो यह अभिक्रिया क्या होगी, लागू होगी, यह अभिक्रिया अनुमत होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लैम्डा, रिएक्शन के बाद प्रोटॉन प्लस पायोन। लैम्डा किसके अंतर्गत आता है, बेरियन संख्या के अंतर्गत। तो इसके लिए बी का मान प्लस वन, प्रोटॉन के लिए प्लस वन, इसके लिए जीरो। तो अभिक्रिया से पूर्व बी का मान प्लस वन व अभिक्रिया के पश्चात बी का मान प्लस वन। अभिक्रिया से पूर्व भी प्लस वन, अभिक्रिया के पश्चात भी प्लस वन। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, या अभिक्रिया लागू होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन, कैस्कोड प्लस, कैस्कोड, कैस्कोड जीरो प्लस, कैस्कोड प्लस। तो ये पाई प्लस क्या हो गया, अदर पार्टिकल जीरो, बेरियन पार्टिकल किसका मान निकालने, बी का, बेरियन पार्टिकल प्लस वन, एंटी बेरियन पार्टिकल माइनस वन, बेरियन पार्टिकल, बेरियन पार्टिकल प्लस वन, एंटी बेरियन पार्टिकल माइनस वन, जीरो। इसके लिए बी का मान क्या हो गया, जीरो। न्यूट्रॉन बेरियन पार्टिकल होता है, इसके लिए बी का मान क्या हो गया, प्लस वन। कैस्कोड क्या हो गया, बेरियन पार्टिकल प्लस वन, एंटी बेरियन पार्टिकल माइनस वन। तो अभिक्रिया से पूर्व कितना मिल रहा है हमको, प्लस वन, जबकि अभिक्रिया के पश्चात क्या मिलेगा, प्लस वन माइनस वन बराबर जीरो, अर्थात प्लस वन किसके बराबर मिला, जीरो के। क्या कभी वन जीरो के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया लागू नहीं होगी, या यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, या क्या कहें, यह अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी, या यह अभिक्रिया वर्जित होगी। लास्ट एग्जांपल लैम्डा, एंटी प्रोटॉन प्लस पायोन। इसके लिए क्या हो गया, बेरियन पार्टिकल, इसके लिए बी का मान नोट करें तो क्या आ जाएगा, प्लस वन। इसके लिए बी का मान माइनस वन, बी का मान जीरो। तो प्लस वन कभी माइनस वन के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या कहेंगे हम, यह अभिक्रिया लागू नहीं होगी, या यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, या यह अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी, या यह अभिक्रिया वर्जित होगी। तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पलों की सहायता से आपको प्रूफ करके बताया कि कौन से एग्जाम्पल या कौन सी रिएक्शन तो लागू होगी या कौन सी रिएक्शन लागू नहीं होगी। लेप्टोन पार्टिकल के अंतर्गत क्या बताया, लेप्टोन पार्टिकलों के लिए लेप्टोन संख्या संरक्षण नियम के अंतर्गत बताया, लेप्टोन पार्टिकलों के लिए एल का मान क्या होगा, प्लस वन, जबकि एंटी लेप्टोनों के लिए एल का मान क्या हो गया, माइनस वन। अदर पार्टिकल के लिए एल का मान क्या होगा, जीरो। ठीक उसी प्रकार बेरियन पार्टिकल के लिए बी का मान प्लस वन, एंटी बेरियन पार्टिकल के लिए बी का मान माइनस वन, अदर पार्टिकल के लिए बी का मान क्या होता है, जीरो। कोई भी अगर आपको एग्जांपल देगा वो आपसे कहेगा कि यह अभिक्रिया अनुमत है या लागू है, नहीं है, या इस अभिक्रिया के अंतर्गत, ज्ञात करो इस अभिक्रिया के अंतर्गत लेप्टोन संख्या संरक्षण नियम की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, अथवा ज्ञात करो इस अभिक्रिया के अंतर्गत बेरियन संख्या संरक्षण नियम की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्या करोगे आप, अभिक्रिया से पूर्व लेप्टोन पार्टिकल का मान निकाल लो, लेप्टोन संख्या का मान निकाल लो, और अभिक्रिया के पश्चात लेप्टोन संख्या का मान निकाल लो। यदि दोनों मान आपस में परस्पर क्या हो, बराबर, तो अभिक्रिया संपन्न होगी, अर्थात अभिक्रिया अनुमत होगी। यदि दोनों के मान परस्पर बराबर नहीं होंगे तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, अर्थात अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी, या अभिक्रिया लागू नहीं होगी। इसी प्रकार यदि कोई एग्जांपल दे और आपसे पूछे कि ज्ञात करो निम्न अभिक्रिया के अंतर्गत बेरियन संख्या संरक्षण के नियम की पालना होती है या नहीं,
यदि वेरियंस संख्या का मान अभिक्रिया से पूर्व वेरियंस संख्या का मान अभिक्रिया के पश्चात वेरियंस संख्या के मान के दोनों आपस में क्या हो, परस्पर बराबर, तो वह अभिक्रिया लागू होगी या अभिक्रिया अनुमत होगी या अभिक्रिया संपन्न होगी। यदि अभिक्रिया से पूर्व बी का मान और अभिक्रिया के पश्चात बी का मान आपस में परस्पर बराबर नहीं हो तो अभिक्रिया लागू नहीं होगी अर्थात अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो सारे के सारे एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट करें, डेली की डेली जो आपकी क्लास दी जा रही है उस डेली की डेली जो आपको वर्क दिया जा रहा है उसको नोट करें, तभी हम आपको नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कराएंगे।